चीन वाली कब की मैंने टी शर्ट खरीदी थी भाई, लेकिन आज भी बहुत सी लगती है, बेड ऑफ रोजेस। हाँ, नीचे अपना पजामा जींस वाला जो होता है एंड व्हाइट वाली क्रॉक्स निकाली, बेशक इसमें धब्बे लगे, वो ये वृंदावन गया था ना जब स्टेन पड़ गया था कलर का, सबसे पहनता ही नहीं। ठीक है, मैथ अच्छा कर रहा है, शायद से रील वगैरह बनाने पड़ जाए, तो उसके लिए क्रॉक्स के लिए काफी कमेंट आते ना उस पर, तो इसीलिए। कैसा लग रहा है टायर? सही है, 12 बजने वाले, फटाफट से निकलना। मम्मी चल निकलता हूँ, ठीक है? ओके मैं मम्मी जाना, जो इतना जल्दी आ जाएगा रात को। मैं अभी तो गुड़गांव जा रहा हूँ, फिर गुड़गांव से वहां से निकल जाऊंगा बहरोड़। कहाँ पे बहरो? जयपुर से पहले, और फिर आ जाऊंगा रात तक। पगू पगू तू टेंशन में क्यों है? पगू क्या हो गया? पगू को टेंशन होती है, दिन का खाना तो खा लिया, रात का खाना मिलेगा नहीं मिलेगा दोस्तों घर पे। अम्मी ये देखो यूट्यूब, बस ये बिहारियों की लड़ाई देखती रहती है अम्मी। बात है जो उसको देखती हूँ भाई, मैं बता रहा हूँ जो यूट्यूबर्स मम्मी देखती है ना, जैसे हमारा बैकग्राउंड भी देखो, बताओ फैमिली बिहार राजपूत वैसा वाला ही है, पर भाई इतना लड़ते हैं गांव वाले यूट्यूब पे। यूट्यूब पे लड़ते हैं मुझे लगता है, अरे गांव वाले इतना यूट्यूबर है ना, मम्मी वही देखती रहती है इनकी आपस की बैर। बेसिकली क्या है, अब तो अनमोल भाई नहीं है, इंडियन बैकपैकर, तो भाई की स्कॉर्पियो ना आ गई है। तुम बताओ भाई ने इंडिया से लंदन का रोड ट्रिप मारा था ना। एक मिनट गाइस सॉरी, थोड़ा गले खराब, दूर करे खिचखिच दूर करो, विक्स की गोली लो, लगता है विक्स लेनी पड़ेगी। तो हमारा बहुत टाइम से प्लान बन रहा था कि यार भाई की स्कॉर्पियो इनके साथ शूट करेंगे करेंगे करेंगे, तो भाई फाइनली आ गए हैं, तो आज सही मौका बैठा है कि हाँ पहले शूट करें भाई के साथ, भाई से मिलाते हैं, सारी बात करेंगे, एंड उसके बाद फिर वहां से मुझे बहरोड़ निकलना होगा, तो वो एक वैन का अलग शूट है। ये व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है कि तुम लोगों को दो ऐसे मेजर कंटेंट व्लॉग में थोड़ा थोड़ा ग्लिम्प मिल जाएगा, वरना मैं कोशिश अक्सर ही करता हूं कि अगर मेरे पास कोई मेजर कंटेंट है उस दिन का, तो मैं जो नेक्स्ट कोई अगर गाड़ी का सीन हो रहा है तो मैं उसको अगले दिन शिफ्ट करता हूं, क्योंकि यार हर दिन का मैटर देखना होता है, लेकिन आज स्पेशल दिन है तो एंजॉय लो, व्लॉग लास्ट तक देखो। हमने ना बेसिकली शूट की लोकेशन ही उस जगह रखी जहाँ पे यार, जहाँ से मेरे को मुंबई एक्सप्रेस भी सही पड़े, तुम जानते हो जयपुर जाने के लिए, फिर ना बैरोर एंड भाई भी वहाँ से आ जाए, तो ये देख लो अपने द्वारका से ही भाई ये गुड़गांव जाने तक का रास्ता है। ठीक है, आगे जाके ना मैं इसमें इधर ना एक बार आया, तो फ्रेंकली बताऊँ ना, अगर मैं ये नहीं बताऊँ कब आया, क्योंकि मैं अभी हाल फिलहाल में ही आया, ये समझ लो 3-4 दिन पहले ही मैं आया हूँ यहाँ पे, 3-4 दिन के बीच में आया। चलो क्या था सीक्रेट लोकेशन बता रहा था मैं, आगे जाके ना रास्ता बंद है, और फिर ना बड़ा खतरनाक सा एक यू टर्न लेना होता है, तो थोड़ा मैं समझ रहा हूँ ये रूट कैसे कैसे है, एंड यहाँ से अराउंड 15 मिनट दिखा रहे हैं, तो भाई ने लोकेशन भेज रखी है दशहरा ग्राउंड की भेजी, बेसिकली कैसे जाना होगा मैं तो पहले ही सोच रहा हूँ। अच्छा देखने में बहुत खतरनाक लगता है, पर हो जाएगा, निकाल दिया मैंने एक बात, मुझे आइडिया है, ठीक है ऐसी अगर आराम से निकल जाएगी। भाई भाई से बात हुई है कि भाई भी यार ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, चलो फिर अपन भी यार यहाँ से जरा वेज बिरयानी ले। ये देखो कुछ ऐसी शक्ल है अपनी वेज बिरयानी की, और साथ में चाप अलग से लिया है भाई, 50 की अपनी वेज बिरयानी हो गई, 20 रुपये का चाप, बढ़िया से यार बेहतरीन नाश्ता करते हैं भाई। सब लोग तो मिलते, आ जाओ आ जाओ, सब लोग तो मिलते रहेंगे, पहले हम अपनी क्लिप तो बनाए। अनमोल यार मुझे बताओ, एक वक्त वो भी था जो हम बात करते थे कि यार भाई पुराने चैनल पे व्यूज नहीं बढ़ रहे, जब मैंने तो चलो बहुत चेंजेस किए, समझ रहे हो, अपन ने कितनी बात बात करी थी, पर एक क्या हैक रहा है, हैक छोड़ो क्या एक स्ट्रैटेजी अपन ने देखी इससे, कि क्या आपने ओजी कंटेंट पे ही रहना है या फिर कुछ यूनिक करते रहना है? नहीं, हमारी जब बात हुई थी ना, मेरी भी मेंटेलिटी ये थी कि एक टाइम के बाद ना यूट्यूब रीच देना बंद कर देता है पुराने चैनल, और वो हो रहा था, उसको हो रहा था, सबके चैनल्स पे ही हो रहा था, इनका मेरा और भी कई यूट्यूबर्स थे, बट इस ट्रिप पे जाके ना मैंने ये चीज नोटिस करी कि यूट्यूब ना रीच उन्हीं को देता है एकदम से जिनकी ना वॉच टाइम बहुत ज्यादा होती है। मतलब मेरी निकलने से पहले जो वॉच टाइम थी ना, अगर वो 12 मिनट का ब्लॉग था तो 4 से 5 मिनट का एवरेज रहता है, उतना ही रहता है ना। बिल्कुल, इसमें क्या है ना, आपकी जो जुड़ी हुई ऑडियंस है उनके पास तो वीडियोस पहुंच रही है, वो देख रहे हैं, लेकिन यूट्यूब नई रीच नहीं दे रहा। पर जैसी मैंने ट्रिप शुरू करी, 40 मिनट की वीडियो हो गई एक, तो मेरी उसमें वॉच टाइम आने लगा 18 मिनट 20 मिनट का। अच्छा, तो यूट्यूब को लगा कोई बंदा अगर किसी की 18 मिनट वीडियो देख रहा है तो मतलब कुछ दम है वीडियो में। ओके, तो वो इसलिए नए नए चैनल्स पे भेजते, नए नए। मुझे पता है क्या लग रहा है इसमें ना, एक ये चीज है, जो आपकी अपनी ऑडियंस है ना उनको तो आप केटर करो, ठीक है, क्योंकि वही आपको वॉच टाइम देंगे और नई ऑडियंस भी वही ला के देंगे, उनको नहीं पता। मतलब एक सजेशन है इसमें, जैसे आप महीने में 30 वीडियोस बनाते हो, 30 में से ना 5 का ऐसा एम रखो कि आप ऐसा कंटेंट बनाओ जो ना सर्चेबल हो या फिर फैलने वाला हो। अच्छा, जैसे आपकी कई एक गाड़ियों की वीडियोस बहुत फेमस हुई थी शुरू में, जो डांसिंग थार थी, उसमें रीच आप अपने इंप्रेशन देखोगे ना नॉर्मल वीडियो से 20-30 गुना ज्यादा होंगे। तो ये मेरी पूरी ट्रिप ही ऐसी थी कि इसमें हर वीडियो में ना 40-40 मिलियन का इंप्रेशन आ रहा था। अच्छा, एक तो अपना मिरियल चैनल हो गया, वो तो मैंने बहुत लोगों को बताया कि यार वो इंस्पायर भी, जब मैं भाई के साथ मैंने वीडियो बनाई थी, जब भाई ने हमारी गाड़ी कवर करी थी, तो उसके बाद हमको हुआ था, चलो वो अलग चीज है। अनमोल का क्या,
आजकल अंदर अगर आज ये ट्रैवलिंग पे बैकपैकर चल गया ना। अच्छा मुझे ये बताओ मेरे व्लॉगिंग चैनल के लिए, ठीक है, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ मेरी ओमनी बन रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि जब कोई प्रोजेक्ट चल रहा होता है ना, हमने अगर उसको ढंग से हाई वो ढंग से हमने उसको अच्छे से बनाई तो एक वो फैक्टर आ सकता है, क्योंकि मैंने पूरा ही कंटेंट मेरे व्लॉगिंग से इस चीज में शिफ्ट किया है। तो एक तुम्हारे सबसे सजेशन क्या हो सकता है इसमें? मेरी गलत तो अलग है इस व्लॉगिंग के लिए। यार देखो मेरा गाड़ियों वालों में तो मेरे 2 लाख तक ही सब्सक्राइबर गए थे, वो भी मैंने यूट्यूबर्स के साथ वीडियोज बनाई थी इसलिए वो चल गई थी वीडियोज। पर मेरा एक्सपीरियंस ट्रैवल वाले में है, ट्रैवल वाली वीडियोस में फिर से वही कह रहा हूँ कि इसलिए चली क्योंकि ये कंटेंट किसी ने भी यूट्यूब पे बनाया ही नहीं था। अच्छा मतलब आप सर्च करोगे दिल्ली टू लंदन 2-4 वीडियोस तो मिलेगी, बट वो ट्रिप की वीडियोस किसी ने नहीं बनाई थी इसलिए ये एकदम से उठ गई वीडियोस, बस ये फर्क था बस। तो बाकी लगता है ओमनी प्रोजेक्ट से कुछ? हाँ भाई अगर किसी ने वैसा कुछ नहीं किया, जैसे एक वो लैम्बोर्गिनी वाले भाई थे जिन्होंने बनाई तो उनकी रील वील बहुत चल रही है आजकल, तो हो सकता है कवर करी थी मैंने भी। हाँ बिल्कुल, तो वो वीडियो चलती है ऐसे। तो जब ओमनी बन जाएगी तो बताऊंगा मैं, ठीक है भाई। तो वैसे अभी निकल रहे ऑस्ट्रेलिया ट्रिप के लिए, जब तुम आओगे ना उसके बाद तक फाइनल अच्छे से हो जाएगी बस, फिर तो फरवरी मार्च में ही होगा ना। बिल्कुल 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 बढ़िया से करेंगे। अभी तुम देख लो थोड़े सब्सक्राइबर और आगे बढ़ने मिलने देते भाई को। अभी सबसे मेन तुम देख लो यहाँ पे हम पेट्रोल फुल करा रहे हैं, ठीक है, और फिर मुंबई एक्सप्रेस आगे से कटने वाला है, निकलते हैं गाइस। कैसा लगा तुम लोगों को अनमोल से मिल गया भाई? बड़ा मेहनती लड़का, मानना पड़ेगा यार, मतलब भाई सही है। ऑस्ट्रेलिया निकलने का प्लान करते तो ये सोच रहा अभी आगे कितना टाइम हुआ उसे। बाकी 91 डलवा रहे हैं, 91 नहीं था भाई पे, जैसे तुमने बताया था पिछले बार दिखाया भी था ना 91, और ये मिक्स करके हमने पेट्रोल डलवाया था तो इस बार सिर्फ 91 है ना। बाकी देखते हैं भाई का इवेंट का वो, इस इवेंट में भी मिलेंगे और भी सारे बंदे आएंगे। मुझे मेरे पिछले बार का एक्सप्रेस वे का ना एक्सपीरियंस याद है, मुंबई एक्सप्रेस वे का, कि भाई मेरे तुम जानते हो टायर फट गया था ना गाड़ी का, तो इसलिए मैं पेट्रोल भराने के बाद अपने यार प्रेशर वगैरह टायर के भी ना एकदम चक्कर चक्कर के निकल रहा हूँ, पैदल पैदल सब मैं करवा लूँ। ये देखो भाई यहाँ से एंट्री स्टार्ट हो रही है अपनी मुंबई एक्सप्रेसवे की। ये क्यों रोक रहा था, लिफ्ट मांग रहे थे क्या भाई? हमें तो ध्यान आ, हम तो पुलिस वाले के लिए गाड़ी नहीं रोकते ऐसे, मिल जाएंगे इनको लिफ्ट। सॉरी गाइस अगर तुम लोगों के सामने ये रूट लगा हो, ठीक है, आई डोंट नो, मुझे समझ में नहीं आया भाई क्या हुआ। एक बार ऐसी कल परसों की बात है, ये शेड्स लगाने के बाद ना हुआ था मेरे साथ, पता नहीं किस आगे कोई पुलिस वाला मेरी आगे गाड़ी को रोक रहा था या मुझे रोक रहा था क्या था, अचानक से वो गाड़ी गई, वो दिखा पुलिस वाला मुझे, अब भाई इतने स्पीड में अगर अचानक से मेरे सामने आ जाओगे भाई, मैं तो ब्रेक मारने से था, मैं चलता रहा, पुलिस वाला फिर बचा। भाई यार देखो थोड़ा दूर से दिख जाओ मुझे कि हाँ आप रोक रहे हो, मैं रुक जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, अचानक से आओगे भाई फिर तो दोनों के लिए खराब है, मेरी गाड़ी भी आप भी ठुकोगे। लो भाई इधर एक और टोल आ गया, ये मेन मुंबई एक्सप्रेस का टोल है। 4 बजने को हो रहे हैं यार, भूख लग रही थी तो तुम्हें दिखा देता हूँ मैं, ये देख लो यहाँ से मैं ना एक चक चक गो वो मैं तुम्हें दिखाऊँ पहले, ये देख लो पीछे ये था अपना, ऐसे और भी फूड ट्रक्स है, मुझे तो डोमिनोज देने गया था मैं, लेकिन भाई इनके पास कार्ड और कैश ही था, अपना सिर्फ पेटीएम है तो कोई नहीं हमने। लेकिन ये देख लो चिकन मोमोज हो गया, ये 220 रुपये का, ये 200 रुपये का बर्गर देख लो गाइस। देखो अभी पूरा एपिसोड अपना बन गया है, ठीक है, ये जो हम कैरावैन में है ये कुछ देख सकते हैं इसका मैटर, भाई वॉशरूम से लेकर स्टोव, वॉशिंग मशीन, क्या वॉश बेसिन बेड, सब कपड़े रखने की जगह, बहुत सारा स्टोरेज, सब कुछ है भाई अंदर। अरे वाह, और आज का दिन मैं देख रहा हूँ भाई, देखो कितना ज्यादा यूनिक आज का दिन, तुम लोग नोटिस करना। पहले तो मैं नूर भाई से मिला, वो भी दिल्ली से लंदन, दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया, जो भी उनका प्लान बन रहा है केड़ा सा, ठीक है। दूसरा ये भाई है जो भी जो इंडिया टूर करने वाले हैं इस गाड़ी से, तो आज का दिन मेरा काफी भाई यूनिक गया एकदम, कि मुझे बंदे ही वो मिले हैं जो इंडिया टूर का बेसिकली, मतलब टूर टूर कर रहे हैं बेसिकली, बढ़िया बाहर जा रहे हैं, इंडिया को ही ट्रैवल कर रहे हैं। तो मतलब यार मैं अभी थाईलैंड होकर आया एंड मेरा ऐसा था कि यार अपना इंडिया बहुत ज्यादा सुंदर है, बहुत ज्यादा यूनिक है, इतने कल्चर ट्रेडिशन, और अभी भी मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जो पुराना इंडिया था ना वो गांवों में छुपा हुआ है 10-15%, तो मैं चाहता हूँ कि मैं वो एक्सप्लोर कर लूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। बिल्कुल भाई मैं तो बोलूंगा साउथ भी बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करना, आप साउथ में भी बहुत कुछ है यार, बहुत रिच कल्चर है उनका भी यार, मतलब बड़ा अच्छा लगा सुन के यार भाई, पूरा ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल, और एक साल का पूरा यार, मतलब तुम समझ लो एक साल की पूरी जर्नी है एक तरीके से भाई, मतलब यार मजे तो आप लोग कर रहे हो भाई ऐसा लग रहा है यार, हम तो ये मोह माया के चंगुल में फंस गए हैं ऐसा लग रहा है ना कर लो भाई भाई लेकिन यार पता है बात सारी मजे वाली कहाँ आती है, आपका प्रोफेशन भी ऐसा है जैसे रॉकस्टार मूवी में हमने देखा था है ना, रॉकस्टार मूवी में यार भाई देखो अब मेरे 20-25 लाख रुपए लग गए, 20-25 लाख लोग गाड़ी नॉर्मल गाड़िया भी ले लेते हैं, थार वगैरह भी आई जाती है उतने की, तो फॉर्च्यूनर वगैरह आ जाते भाई, इतनी मेहनत करना और प्यार भी होना चाहिए यार उस चीज के लिए, कि आपके पास एक एम भी होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो। हाँ। अच्छा मुझे बताओ, अच्छा ये तो फेक है ना, मुझे बताओ रॉकस्टार मूवी देखी थी? हाँ भाई पसंद आई रॉकस्टार? बिल्कुल
क्या नाम था उस रोल कैरेक्टर का, क्या नाम था रणवीर कपूर वाले, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तुम मुझे जरा बताना ठीक है। तो यार तो आप तो सेम वही जिंदगी जी रहे हो जैसे वो भी जी रहा था, वो भी फोटोग्राफर टीवी शो के लिए रिकॉर्ड कर रहा था, साथ घूम रहा था म्यूजिक के लिए। अच्छा तो आपके नरगिस फाकरी कहाँ है फिर? नरगिस फाकरी भाई ढूंढेंगे तो पीछे क्यों मुड़े फिर? ठीक है कोई नहीं, मजाक मस्ती चलती रहती है। लेकिन बड़ा अच्छा लगा भाई से मिल गया यार, एंड भाई इंस्टाग्राम पे भी काफी बढ़िया एकदम कर रहे हैं, मैं भी फोटोग्राफर हूँ, तुम लोग चेकआउट कर सकते हो जरूर, है ना। एंड पार्टी द वैन में हम भाई ये कुछ आपके लिए यार पोस्ट कार्ड्स हैं यार, मैं ले आया था घर से कुछ फोटोज मैंने क्लिक किए, ये आपने क्लिक करी हुई है? हाँ ये मतलब सच में आप मेरे को मतलब आपके लिए भाई सारे, क्या बात कर रहे हो यार, बिल्कुल मुझे फिर भाई जरा एक्सप्लेन भी करो ना साथ साथ वीडियो में, बिल्कुल बताते रहो। ये डॉकी की है मेघालय की, शिलोंग में भी है ना शायद ऐसा लेक जो पूरा ट्रांसपेरेंट है, ये अलग है, वही है जो आप ट्रांसपेरेंट वाला बोल रहे हो वो मेघालय में ही है, मतलब यही वाला। अच्छा ठीक है, ये बहुत सारी भाई ने कौन सा कैमरा यूज करते हो आप भाई? ये तो सोनी A7 Mark III से, A7 Mark III क्या बात है यार। ये शिमला है, शिमला में कहाँ है ये? अच्छा हवा महल है ना ये, क्या है ये? हवा महल देख क्या आप तो थोड़े जयपुर के ही हो, मैं ये जानना चाहता हूँ अपने जयपुर वाले भाइयों से यार, हवा महल देख के आपको बहुत चीटेड फील नहीं हुआ था पहली बार आपने देखा? मतलब हाँ पीछे से अलग है आगे से, मतलब जिस तरीके से भाई हमें सोशल साइंस में पढ़ाया जाता था हवा महल देखा, हमें लगता हवा बहुत बड़ा सा होगा, जाके देखा छोटा सा, मतलब एक तरीके से है ना। मैं तो खुद भाई राजपूत हूँ, मेरे तो वंशज उधर, मतलब सुनो मेरे उधर से ये सब लिंक, लेकिन ठीक है। अच्छा हवा महल हो गया, बहुत प्यारा फ्रेम। फिर ये भाई कश्मीर, अरे वाह ओके ओके, आपने उस तरफ से लिए ना? ठीक है पार्क था वहाँ पे। ये भाई मेरी फेवरेट फोटो है यार। अच्छा ये देखो भाई आप, ये पेंटिंग लग गया पूरी। हाँ और क्या, ये नीचे क्या है? ये पत्ते घूम रहे हैं भाई पानी में। हाँ तो ये लॉन्ग एक्सपोजर लिया हुआ है। ये कौन सी जगह? ये भी कश्मीर में एक गार्डन था। अरे वाह ये फिर अपना लास्ट लैंड ऑफ इंडिया। अरे वाह तो मेरा कश्मीर टू कन्याकुमारी भाई ऑलरेडी हो चुका है इसी गाड़ी में। अच्छा आपने कर लिया है पहले? मैंने कर लिया है, लेकिन वो सीधा सीधा किया है ना कश्मीर से कन्याकुमारी, मतलब हाँ। अच्छा ठीक तो है, ये बीकानेर भाई। तो ऐसे आपने कितने रोल्स निकाल रखे हैं इसके? यार ये मैंने काफी प्रिंट करा रखे हैं। हाँ मतलब मैं किसी से मिलूं तो मेरा ऐसा होता है कि भाई मुझे वो याद रखे, कभी फोटो देखे तो बिल्कुल याद है भाई की नहीं, मैसेज करे। ये बहुत अच्छा तरीका लगा मुझे। ये कुछ लोग है बाहर से देख लो वैन का, वही बाहर से एकदम नॉर्मल बना रखी है ठीक है, अंदर से पूरा मोटर होम कॉन्सेप्ट है। एंड टाइम देख लो 6:30 हो रहे हैं, अब निकल रहे हैं हम यहाँ से यार ठीक है। बढ़िया दिन रहा आज का यार जनता, तुम बताओ तुम्हें मजा आया नहीं आया? हाँ मास्टर दादा की पब्लिक सही है, मुझे लगता है यहाँ से घर जाते आते यार 9:30 तो बच ही जाएंगे। अब मैं एक चीज़ कन्फ्यूजन में हूँ, आज मुझे दिवाली ब्लॉग डालना है थोड़ा, मतलब तुम समझ रहे हो ना थोड़ा पीछे चल रहे हैं हम, लेकिन दिवाली ब्लॉग पहले डालना था है कुछ सिस्टम, तुम समझ जाओगे ना हर बार, मुझे लगता नहीं सुनाने की तुम्हें जरूरत होगी। तो अभी रास्ते में एडिट करूँ या पहुँच के ये मैं चलो शॉर्ट करता हूँ। सोचो दिवाली ब्लॉग एडिट करने की बात कर रहा हूँ मैं यार, एंड अभी जस्ट मुझे इन शॉर्ट पे ना न्यूज़ आई कि भाई गाजियाबाद में एक बंदा मर गया, वही सल्फर पोटैश जो अपना गंधक पोटैश नहीं था, उस फायर क्रैकर की वजह से शायद उसके दोस्त के पता नहीं पैर पर जाके फट गया वो, एंड उसकी पैर की जो वेन्स थी वो भी उस वक्त पूरा एकदम रपचड़ कुछ बोल लो वो भी फट गई, पूरा ब्लड लॉस हुआ एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से मारा गया। और मैं फिर सोच रहा हूँ कि मेरे दिवाली ब्लॉग तुम लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो भाई उस पर तो मैं थंबनेल डाला था, वो भी इस तरीके से फटा था, मतलब अपने को भी लग रहा था कि हाँ यार कभी फट ना जाए, और मुझे लगता है भगवान का चलो हाथ था कि हाँ हमारे साथ ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि बहुत केसेस आते हैं पाइप वाले गंदर पोटैश के साथ ना ये बहुत फटता है ऐसे ना, चलो भगवान ने साथ दिया, तुम लोग कहीं ना कहीं दुआ रहती है मेरे साथ, मुझे ऐसा लगता है यार फैमिली तुम लोग और भगवान जी तो सब इकट्ठे मिला के ना एक पावर मिलती है, मुझे पता नहीं कुछ तो है यार। देखो कुछ हो ना हो इस पूरे ट्रिप में शॉर्ट ट्रिप में अपन ने मील पूरी ली है, ब्रेकफास्ट से लेकर लंच से लेकर अभी शाम का नाश्ता बोल सकते हैं। तुम देख लो यहाँ पे ये अपन ने ग्रिल सैंडविच लिए जो कि 120 के पड़े हैं ठीक है, तो ये कॉफ़ी सही चलो खाते हैं। एंड यहाँ से वी आर अराउंड यार 2 घंटे का रास्ता है, तुम टाइम देख लो यार पहुँचते पहुँचते 12:15 हो गए भाई, बीच में काफ़ी ब्रेक भी लिए थे तुम जानते हो, वीडियो अपलोड करी थोड़ा ये अपने खाने के लेके आए, कुछ सब्जी मम्मी ने आज बनाई थी कुछ ऐसी, मम्मी ने खुद बोला कि बाहर से ले आ, मगर मम्मी को देख लेंगे ना बोले कितना बड़ा छूटा है, मतलब मम्मी ने कहा था क्या बना दूँ, मैंने कोई नहीं मैं ले आऊँगा सब, चलो एंड करते हो खाना खा के सोऊंगा अभी, मुझे भी नींद आ रही काफ़ी यार। एंड चलो मैं वहाँ से बोलता हूँ आपसे अगली वीडियो के लिए, गुड बाय साइनिंग आउट। एंड हाँ क्या बोलती है अपनी मास्टर दादा की अपनी बोले तो फुल गला।